किरण ने अमृतसर से प्रश्न पूछा है कि जो धर्म का काम करते हैं, जो अच्छे कामों में जुड़े हुए हैं, जो शुभ कार्यों में संलग्न हैं, वही लोग परेशान और दुखी क्यों रहते हैं। जब आप प्रश्न करते हैं तो अपना ही प्रश्न नहीं करते, बहुत सारे लोगों के सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों को उन सवालों से लाभ मिलता है। जब उसके उत्तर उनको मिलते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ समझने और जानने को भी मिलता है। धर्म का काम करने वाले परेशान रहते हैं, ये आपको किसने कहा? धर्म का काम करने का अभिनय करने वाले परेशान हो सकते हैं, धर्म का काम करने का दिखावा करने वाले परेशान हो सकते हैं। सच्चा धार्मिक कभी परेशान नहीं होता। सच्चे धर्म को मर्म नहीं पकड़ता, सच्चे धर्म को कर्म पकड़ता है, सच्चे धर्म को परमात्मा पकड़ता है। अभिनय करने वाले लोग दुखी और परेशान हो सकते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत धार्मिक हैं और हम दुखी रहते हैं। एक चीज़ और भी समझना, जब आप सत्य के मार्ग पर चले हैं, आप ईमानदारी के मार्ग पर चले हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चले हैं, आप सहयोग के मार्ग पर चले हैं, आप सबका अच्छा करने की भावना रखते हैं, सबके जीवन में सुख के फूल बिखेरने के लिए चले हैं, सबके जीवन को अच्छा, सुंदर, स्वच्छ, साफ, श्रेष्ठ बनाने का विचार रखते हैं, तो कुछ कठिनाई आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ परेशानियां जीवन में हो सकती हैं। ये स्वाभाविक है। एक व्यक्ति बहुत ईमानदार भी हो और उसका बहुत बड़ा बंगला भी हो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक व्यक्ति बहुत गुणवान हो, बहुत नीतिवान हो और बहुत बड़ी गाड़ी में भी घूमता हो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। होता क्या है, हम सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, हम बहुत ईमानदार भी रहना चाहते हैं, बहुत श्रेष्ठ संस्कारों के साथ भी रहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम दाऊद इब्राहिम जितने रिच भी हो जाएं। ये दोनों मुश्किलात हैं। आप जब श्रेष्ठ मूल्यों के साथ हैं तो त्याग भी, त्याग परमो धर्मा, त्याग भी जीवन में समझना चाहिए, त्याग के मूल्य को जीवन में अपनाना चाहिए। बुद्ध ने छोड़ा ना सब कुछ, महावीर ने छोड़ा ना सब कुछ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा जनक, राजा राम, श्री राम, सब कुछ छोड़ छाड़ के जीवन के सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, अपने जीवन में वास्तविक मूल्यों को प्रतिपादित करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। फिर एक मिसाल बनती है। अब वो सोचते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाऊं और किसी की सुनूं भी नहीं, पिता की आज्ञा का अवहेलना भी करूं, उनकी बात को भी ना मानूं, तो फिर वो उस स्थान पर नहीं होते जहां वो आज हैं, या जितने भी लोग हैं। तो जब आप कोई अच्छा श्रेष्ठ कार्य करते हैं और उसमें कोई बाधा आती है, जो आनी स्वाभाविक है, क्योंकि धर्म के कार्य में, धर्म श्रेष्ठतम कार्यों में, मूल्य को समर्पित कार्यों में, आदर्शात्मक कार्यों में दिक्कतें आती ही हैं, लेकिन उन दिक्कतों के लिए अपना मनोबल रखिए, परमात्मा का संबल अपने साथ रखिए। सत्य के मार्ग पर व्यवधान आते हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, अभाव आते हैं, संकट आते हैं, उसके बीच ही तो आपकी परीक्षा होती है। उससे अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और फिर आप सबसे अगली पंक्ति में बैठते हैं, ये सबसे पहले चयनित किए जाते हैं। लेकिन हम बीच परीक्षा में, बीच इम्तिहान में अगर डामाडोल हो जाएं तो जीवन में उस पद को, उस स्थिति को, उस कद को, उस प्रतिष्ठा को अर्जित नहीं कर पाते जिसके हम वास्तविक हकदार होते हैं। तो जीवन अगर श्रेष्ठ है, सन्मार्ग पर है, सत्यता पर है, तो उसमें कष्ट भी अवश्यम भावी हैं। आर्यम शरणम शुभमस्तु।